हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, हम करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर रीडिंग। देखेंगे आपके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। गाइस, एक जर्नल रीडिंग होगी, हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो। टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। ओके, ये रीडिंग सभी के लिए होगी। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में हैं, ओके, सभी लोग मेरी रीडिंग्स को देख सकते हैं। ऊपर वाला जल्दी से सभी को उनके पार्टनर से मिला दें, जिनके पार्टनर की फैमिलीज नहीं मान रही है शादी के लिए, उनके पार्टनर की फैमिलीज मान जाए शादी के लिए, उनके पार्टनर से उनकी शादी करवा दें। जो भी दुनिया आपके पार्टनर के साथ आपकी, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। जो भी बीमार हैं ऊपर वाला, उन सभी को अच्छी सेहत और लंबी उम्र दे। जो लोग जॉबलेस हैं ऊपर वाला, उन सभी को अच्छी जॉब, और जो लोग जॉब में हैं उनको प्रमोशन मिले, उनकी सैलरी इंक्रीज हो। जिनको भी जो भी प्रॉब्लम है लाइफ में, वो सब ऊपर वाला जल्दी से ठीक कर दे। आप सभी की लाइफ में बहुत 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 सारी खुशियाँ आएँ, आप लोग की लाइफ में बहुत सारा सुकून हो, बहुत सारी खुशियाँ हो, ऊपर वाला अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके ऊपर बना करके। ओके, चलिए गाइस, हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपको अपने पार्टनर पर फोकस करना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है। कब कब नहीं होना है? ना रीडिंग देखने के टाइम पर, ना रीडिंग देखने के बाद में। ओके, चलिए द लवर्स। ओके, वाओ, ओके, फाइव ऑफ वांड्स। फाइव ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर आपको 555 ज़्यादा दिख रहा होगा, या फिर 1010, ऐसी कोई एंजल नंबर दिख रहे होंगे आपको। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके ओके, पेंटिकल्स। आप दोनों के प्यार के बीच में थोड़ा सा फैमिली इशू है, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा हो सकता है गाइस कि आपने अपने पार्टनर को फाइनेंशियली तो सपोर्ट किया ही है, साथ में ये भी पॉसिबिलिटीज मुझे दिख रही है कि या तो आपके पार्टनर की लाइफ में या फिर आपके लाइफ में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे कास्ट रिलीजन का भी कुछ दिख रहा है आप दोनों के बीच में। ओके, गाइस, यार मैंने आप लोग को एक बार पहले बताया था, ऑनलाइन डेटिंग करने से पहले एक हमेशा आप लोग सोचेंगे, देखो ऑनलाइन डेटिंग का ही कार्ड आ गया। बहुत सारे लोग मेरे, बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन डेटिंग की है, और बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने जो मैट्रिमोनियल साइट्स होती है ना, वहाँ पर कुछ वहाँ से, तो आप लोग, मेरे को नहीं लगता कि उस तरफ आप लोग को जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ का रिजल्ट और ख़राब होता है। आप लोग भी ऐसा कुछ मत कीजिएगा, और जितना हो सके इस मैसेज को आगे स्प्रेड कीजिएगा कि ऑनलाइन डेटिंग के ऊपर, इस तरीके से मैट्रिमोनियल साइट्स के ऊपर बिल्कुल नहीं जाना है। ओके, चलिए, यहाँ पर हमारे पास नाइट ऑफ वांड्स, ये कार्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपने देखा होगा बहुत सारे कार्ड्स गिरे थे, उसमें से एक कार्ड क्वीन ऑफ सोर्ड्स का भी था। ओके, वापस से यही कार्ड आ गए हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं एहसास है कि आप उनका इंतजार कर रहे हैं, और उनके ऊपर, हाँ देखिए यहाँ पर पेंटिकल्स की भी एनर्जीज हैं। ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और उनको अगर वो निकलना भी चाहते हैं उन जिम्मेदारियों में से, तो आपके पार्टनर को उन जिम्मेदारियों में बांध दिया जाता है, जिसकी वजह से उन्होंने ये फैसला लिया है कि उन्हें आपसे अलग हो जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर मुझे आज कास्ट रिलीजन का तो फर्क दिख रही है, यहाँ पर जिम्मेदारियाँ भी दिख रही हैं, कुछ फाइनेंशियल इशूज़ भी दिख रहे हैं। ठीक है, आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते की बात करूं तो आप दोनों का रिश्ता काफ़ी ज़्यादा मजबूत था, एंजल्स की ब्लेसिंग थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पार्टनर यहाँ पर किसी जर्नी में हो सकते हैं। ओके, क्योंकि खाली कुछ कार्ड्स देखकर मैं नहीं बता सकती कि ट्विन फ्लेम है या सोलमेट, लेकिन किसी तो जर्नी में आप दोनों हैं, और आप दोनों की अवेकनिंग चल रही हो सकती है, खासतौर पर आपके पार्टनर की। द लवर्स का कारण आप दोनों का फिजिकल रिलेशन भी रहा होगा, जो मैरिड हैं उनका रिश्ता कुछ ही टाइम अच्छा रहा, फिर वहाँ पर इश्यूज क्रिएट हो गए आप दोनों के बीच में, और दूरियाँ आ गईं। यहाँ पर आपके पार्टनर, अगर आप सिंगल हैं गाइस तो, और मैरिड भी हैं या फिर सेम जेंडर रिलेशनशिप में, क्योंकि रीडिंग सभी के लिए हैं। द लवर्स, आप दोनों के बीच में प्यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। ओके, आप तो अभी भी प्यार करते ही हैं, आने या तो अभी आपके पार्टनर को एहसास हो गया आपके प्यार का, और मुझे ऐसे कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जिनके पार्टनर ने उनको ये या आप लोगों ने बोल दिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कोई आज रीडिंग ऐसा देख रहा है पर्सन जिसने अपने बहुत ही कहते हैं ना, किसी ने ओके
आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें, अच्छी प्यारी सी बातें हुई और उसके बाद में रिलेशन एक स्टार्ट हुआ, उससे पहले स्टार्ट नहीं हुआ, उससे पहले ख़त्म हो गया, तो आप में या तो आप या आपके पार्टनर आपको आकर बोल देंगे कि नहीं हम लोग एक बार कोशिश करते हैं इस रिश्ते के लिए, कुछ तो ऐसा हुआ है आज, कोई तो ऐसा पर्सन देख रहा है मेरी रीडिंग, ठीक है। लेकिन आपके आने वाले टाइम में अगर आप सिंगल भी हैं और या मैरिड हैं, तो आपके आपके पार्टनर आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिखाने वाले हैं कि वो आपको कितना प्यार करते हैं, उन्होंने मजबूरियों से या गलती कर दी, उन्होंने आपसे दूरियां बना गई, ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर आपको बोल देंगे। और अगर आपके पार्टनर स्टैंड नहीं लेते थे, ठीक है, मैरिड भी हैं आप तो भी, सिंगल हैं तो भी, अगर आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड नहीं लेते थे, तो आने वाले टाइम में आपके पार्टनर स्टैंड लेंगे आपके लिए। और उनके पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो काफ़ी इश्यूज़ चल रहे हैं उनके पर्सनल लाइफ में, उनका उनके ही अपनों से उनका काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो रहा है, आपके लिए भी स्टैंड लिया जा रहा है, हालांकि शायद ये बात अभी आपको पता नहीं हो, लेकिन आपके पार्टनर को आपकी सारी बातें याद आ रही हैं, आपको प्यार याद आ रहा है। अगर उन पर किसी तरीके का कोई प्रेशर डाला जा रहा है आपसे अलग होने का, तो चाहे आपके पार्टनर आपको बताए नहीं, लेकिन वो आपके लिए स्टैंड ज़रूर ले रहे हैं अपनी लाइफ में, ओके, ठीक है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स है गाइज, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर फाइव फाइव एंड फाइव ट्रिपल फाइव बहुत ज़्यादा दिख रहा है, जो एक एंजल नंबर है, जो दिखाता है आपके रिश्तों में मजबूती आएगी, एक नयापन आएगा, जो नेगेटिविटी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, आप दोनों साथ में होंगे आने वाले टाइम में। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर को ये एहसास हो गया है कि आप उनका हर समय में आपने उनका साथ दिया है, चाहे वो बीमार हुए हों, चाहे वो फाइनेंशियली वीक हुए हों उस वक्त में, ठीक है, इवन आपके आपने उनकी फैमिली का भी साथ दिया है, ठीक है। और आपके पार्टनर को ये एहसास तो है कि आप ऐसे पर्सन हैं जो उनका हर हाल में साथ देने ही वाले हैं। आपके पार्टनर की मुझे यहाँ पर थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज भी दिख रहे हैं, हो सकता है उनको थोड़ी सी चोट लगी हो कहीं पर, ठीक है। और आपके पार्टनर का जब कॉल मैसेज यहाँ पर आएगा, तो आपको उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक नहीं होंगे जब वो आपकी तरफ आएंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स हमें ये दिखाते हैं गाइस कि सही समय आ रहा है कि आपके पार्टनर को ये समझ आ जाएगा कि उन्हें आपके साथ दूरियां नहीं बनानी चाहिए थी, और उस सही समय पे सही समय कब आता है, क्योंकि कार्मिक साइकिल एंड हो जाता है हमारा, वो कब होता है, वो जब हमारे कर्मास रिलीज ख़त्म हो जाते हैं, जो हमने पास्ट लाइफ में किया है या कभी किसी का दिल दुखाया था, वो सारी चीज़ें होती हैं, ओके। आपके पार्टनर के दिल में फिर आपके लिए क्या चीज़ें आएंगी, क्योंकि वो प्यार तो महसूस कर ही रहे हैं, आपको खोने का डर, आपको संभाल के रखना है उन्हें, सही टाइम आ जाने पर उन्हें आप एक 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 ऐसा कमिटमेंट देना है जो आप चाहते थे, जो साथ आप चाहते थे, जो प्यार आप चाहते थे, वो सारी चीज़ें आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं, ओके। यहाँ पर है फैमिली इश्यूज, टेन ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब है आपके पार्टनर पे जिम्मेदारियाँ तो हैं ही, आप दोनों के बीच में जो दूरियाँ आई हैं उनका एक सबसे बड़ा रीज़न है आपके पार्टनर की फैमिली, ओके। आपके पार्टनर की फैमिली ने स्टैंड भी लिया है आपके लिए, कि उन्होंने अपनी फैमिली में बात किया है कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, और उन्होंने कहीं ना कहीं डिसीजन सुना दिया है, और मुझे ऐसा लगता है उनके घर के जो बड़े हैं उनके सामने उन्होंने ये बात रख दी हुई है कि उन्हें आपके साथ रहना है। कुछ दो लोग हैं जो उनके साथ हैं और बाकी दो लोग हैं जो उनके बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर दो लोग दिख रहे हैं, ओके। यहाँ पर आज पेंटिकल्स की बहुत ज़्यादा एनर्जी है, मतलब आपके पार्टनर ना तो ज़्यादा क्विक एनर्जी में है, ना बिल्कुल स्लो एनर्जी में है, कुछ तो है जो डिसाइड कर चुके हैं, वो भी आपके लिए हैं, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास द लवर्स का आया था, इसका मतलब है आपके पार्टनर ने आपके लिए ही डिसीजन लिया है, जो भी है कि आपको किस तरीके से संभाल के रखना है। यहाँ पर भी हमारे पास यही कार्ड आया था पेज ऑफ पेंटिकल्स, कि आपके पार्टनर आपको संभाल के रखना चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं, आपकी तरफ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको जो कमिटमेंट आप चाहते थे वही देंगे, और ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस कमिटमेंट को देने में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, जो हमें ये दिखाता है कि डिसीजन ले लिया है बहुत जल्दी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास तीन कार्ड जैसे हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और तीनों कार्ड एक साथ आए हैं यहाँ पर, मतलब कि आपके पार्टनर बहुत जल्दी ही आपकी तरफ कमिटमेंट को लेकर बढ़ रहे हैं। आप जो कमिटमेंट चाहते थे, जो मैरिड हैं वो साथ चाहते थे, जो सिंगल हैं वो शादी चाहते थे, तो वो कमिटमेंट लेकर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। द चैरियट, आप दोनों के बीच में कास्ट और रिलीजन का काफ़ी बड़ा इशू हो सकता है, इसलिए शायद उनकी फैमिली नहीं मानी थी, लेकिन आपके पार्टनर ये जानते हैं कि दोनों सिचुएशन, दोनों चीज़ें, मतलब आपके साथ रिश्ता और अपनी फैमिली के साथ रिश्ता, समाज के साथ कैसे सामना करना है, वो सब उनको हैंडल करना है, उस सब का सामना करने के लिए आपके पार्टनर पूरी तरह से तैयार है, ओके। यहाँ ओके सॉरी, कुछ तो हुआ है आपके पार्टनर की लाइफ में ना, कुछ तो होने वाला है, ठीक है, ओके, क्योंकि वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो उन्हें काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, ऊपर वाला उन्हें हिम्मत दे, और आपको भी बहुत जल्दी आप एक हो जाएंगे, ठीक है।
आप लोगों ने ऑनलाइन डेटिंग स्टार्ट किया होगा तो मुझे यहाँ लग रहा है आप दोनों के में कुछ एज का भी गैप हो सकता है, और क्योंकि जब हम किसी जर्नी में होते हैं ना तो वो एज गैप होता है, ये कास्ट रिलीजन का इशू होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इजी नहीं होती हैं उस जर्नी में, ठीक है। ओके, यहाँ पे आप लोगों ने एक दूसरे के साथ ऑनलाइन डेटिंग किया था और काफ़ी लंबे समय तक आप दोनों ने बात की, मिले भी नहीं, और ऑनलाइन ही आप दोनों ने डिसाइड कर लिया कि आप दोनों शादी करेंगे, और यही बात खुलते ही आपके पार्टनर के घर वालों ने कहा कि ऐसे कैसे तुम डिसाइड कर सकते हो या कर सकती हो, ठीक है। और जो लोग मैरिड हैं उनके भी इस तरीके के इशू हुए हैं कि आप लोगों ने ऐसे कैसे डिसाइड कर लिया था, जल्दबाजी में शादी कर ली, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये सारी चीज़ें, इसलिए फैमिली इन्वॉल्व हुई है। अभी आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, बस उदास और परेशान है, क्यों? क्योंकि कोई ना कोई उनको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। ये कंट्रोलिंग एनर्जी तो चलने वाली है जब तक आपके पार्टनर आपके पास आ नहीं जाते कमिटमेंट लेकर के, कुछ टाइम के लिए ही है, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर का यहाँ पर झगड़ा भी चल रहा है और ऑब्वियस है कि उनको कोई ना कोई, हो सकता है ये कोई ऐसा पर्सन हो उनकी फैमिली का जो जिनकी चलती है उनके घर में, क्वीन ऑफ सोर्ड्स हो सकता है, उनकी मदर या उनकी सिस्टर हो, लेकिन आपके पार्टनर ने डिसाइड तो कर ही लिया है कि कमिटमेंट आपको ही देंगे आपके पार्टनर, इसलिए आपको नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है, कमिटमेंट लेकर तो आपके पार्टनर आपकी तरफ आ ही रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, फिर से हमारे पास पेंटिकल की एनर्जी जो दिखाता है कि आपके पार्टनर को पता है कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हो, ज़्यादा टाइम तक आपका इंतज़ार नहीं करवाएंगे और कमिटमेंट लेकर आपकी तरफ ज़रूर से बढ़ेंगे, ठीक है गाइस। तो ये थी आज की हमारी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, पसंद आई तो अपना प्लीज़ बहुत सारा ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं हो, हमेशा खुश रहने की कोशिश करें, हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे जीमेल पर मेल कर सकते हैं, जीमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बहुत सारा ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।